आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर 1.02 एंड 1.03 एटीएम, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। तो क्वेश्चन में हमें जो गिवेन है टू सोप बबल। ओके, सोप बबल जो होता है इस तरीके का होता है, लाइक दोनों, ओके, इस तरीके का दिखता है सोप बबल। दो सरफेस होते हैं इसमें, एक के अंदर क्वेश्चन में बोला है कि अगर P1 इसको कहे, फर्स्ट सोप बबल इसको बोले, तो P1 जो होगा 1.02 एटीएम है, और जो दूसरा सोप बबल है उसके अंदर का प्रेशर अगर P2 बोले तो वो है 1.03 एटीएम। ओके, इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और रेशियो हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोप बबल ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर किस तरीके का होता है। तो अगर ये सोप बबल एटमॉस्फेयर में है तो सोप बबल के बाहर का जो प्रेशर होगा वो पी नोट एटीएम होगा। ओके, पी नोट बराबर 1 होगा, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, 1 एटीएम। ओके, और ये अंदर जो प्रेशर होगा वो होता है सोप बबल में पी नोट प्लस 4TYR। ओके, और ये 4TYR क्या है, एक्सेस प्रेशर। यही एक्सेस प्रेशर होता है जिसके कारण जो है सोप बबल कोलैप्स नहीं कर पाता है। लाइक अगर अंदर एक्सेस प्रेशर होगा तभी तो जाकर जो उसका सरफेस होगा, सरफेस ऑफ सोप बबल जो होगा वो कोलैप्स नहीं होगा, मतलब वो जो है फूट नहीं जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो पी नोट प्लस 40R, जो यही एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा पी, इसको हम डेल्टा पी बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। तो ये हमारा जनरल चीज है सोप बबल के लिए। एक के केस में हमें बोला है कि जो अंदर का प्रेशर है टोटल पी नोट प्लस 40R वो है 1.02 एटीएम। तो चूंकि बाहर भी 1 एटीएम है और ये अंदर भी 1 प्लस 40R है। ओके, तो जो हमारा जो पिनोट प्रेशर अंदर होगा उससे तो ये बाहर का प्रेशर पिनोट कैंसिल हो सकता है। तो अगर हम इस तरीके को, इसको इस तरीके से इक्विवेलेंट माने कि बाहर 0 है और अंदर इसका सिर्फ 40R प्रेशर है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा 40R आएगा वो 1.02 माइनस 1 के इक्वल होगा। ये हमारा किसके बराबर होगा, 1.02 माइनस 1 इक्वल टू 0.02 एटीएम। ओके, उसी तरीके से दूसरे बबल के लिए हमारे पास क्या है, सेकेंड बबल में क्या है कि जो डेल्टा पी होगा सेकेंड बबल में, एक्सेस प्रेशर जो अंदर का है वो है 1.03 एटीएम टोटल, और ये है हर 1 एटीएम। तो जो नेट एक्सेस प्रेशर होगा इसके अंदर में वो होगा 1.03 माइनस 1,
इज इक्वल टू 0.03 atm। तो फर्स्ट वाले के लिए जो है 40/r 0.02 atm, सेकेंड वाले के लिए डेल्टा पी इज इक्वल टू 40/, इसको अगर आर है तो इसको आर फर्स्ट केस है तो इसको R1 कर देंगे, इसको R2 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा 0.03 atm के बराबर है। क्योंकि दोनों सोप बबल है तो सोप उसका सॉल्यूशन से बना होगा, तो जो सरफेस टेंशन T होगा दोनों केस में, ओके, वो दोनों केस में सेम होगा। तो अगर इसको भी अगर हम डेल्टा P1 कर दें और इसको डेल्टा P2 कर दें तो दोनों जो है डिस्टिंग्विश हो सकते हैं कि ये एक्सेस प्रेशर है फर्स्ट सोप बबल का और ये एक्सेस प्रेशर है सेकेंड सोप बबल का डेल्टा P2। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 ये निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40/r1 इंटू 40/r2, ये हमारे पास आ जाएगा, ओके। अब आगे देखिए, ये हमें इक्वल है डेल्टा P1 फर्स्ट केस में है 0.02, सेकेंड केस में है 0.03, 40 से 40 कैंसिल, R2/r1 जो है 0.02/0.03 हो जाएगा। अब ये जो सोप बबल होता है ये क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ओके। तो स्फेरिकल शेप का होता है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 इंटू पाई ऑफ R³। तो जो V2/V1 होगा वो होगा 4/3 पाई ऑफ R²³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R₁³। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, R²³/R₁³ नेट होगा। R²³/R₁³ निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इस चीज़ को अगर स्क्वायर कर दें, इसको अगर हम थर्ड इक्वेशन माने तो थर्ड इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर दें इस तरीके से, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.02 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई, ओके, 0.03 इंटू 0.03, ओके। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ रहा है 8/27 ये आ रहा है, ये हमारा आ रहा है V2/V1, ओके। तो यहां से अगर हम V1/V2 निकालें तो हो जाएगा हमारे पास 27/8। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है V1/V2 क्या होगा, तो वो 27/8 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जहाँ फर्स्ट वाले का प्रेशर 1.0 था, सेकेंड वाले का 1.03 था और रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा था। तो क्योंकि पहले वाले का हम बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले का वॉल्यूम बाय सेकेंड वाले वॉल्यूम का रेशियो लेंगे, तो वो हमारे पास 27/8 के इक्वल हो जाएगा। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।